पशु अवशेष को लेकर हुई घटना में ड्यूटी के दौरान सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करने और पुलिस कर्मी को चोटल करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की पहचान व तलाश जारी, शीघ्र ही पुलिस द्वारा किया जाएगा उन्हें भी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के आदेशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार व महिपाल चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक व्रत किशनगढ़ शहर अजमेर पुलिस के निर्देशन में थाना अधिकारी मदनगंज शंभू सिंह शेखावत के नेतृत्व में कस्बे में हाल ही में कथित गौमांस को लेकर हुई घटना में ड्यूटी के दौरान सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करने और पुलिस कर्मी के साथ मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 जून को सब्जी मंडी ओसवाली मोहल्ला मदनगंज क्षेत्र में पशु अवशेष मिलने को लेकर कुछ उपद्रवी लड़कों द्वारा जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई, जिनके साथ सख्ती से पेश आकर उनको हटाया गया। इस प्रक्रिया के दौरान वृत्ता अधिकारी व्रत किशनगढ़ ग्रामीण की सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ और गाड़ी चालक हैंड कांस्टेबल गोपाल लाल के साथ मारपीट की गई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की पहचान व तलाश व अनुसंधान जारी है। प्रकरण में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में किशन उर्फ सनी पुत्र सुनील कुमार जाति वाल्मीकि उम्र 23 साल निवासी पुरानी मील पाटनी भवन के पीछे मदनगंज अजमेर और विशाल मालाकार उर्फ बिस्सू पुत्र हेमराज जाति माली उम्र 23 साल निवासी मालियों का बाड़ी किशनगढ़ थाना किशनगढ़ अजमेर शामिल है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल शंभू सिंह शेखावत थानाधिकारी पुलिस थाना मदनगंज, सत्येंद्र सिंह सहायक उप निरीक्षक, विनोद कुमार कांस्टेबल अजमेर, शेष योगदान अभय सिंह कांस्टेबल वृत्ताधिकारी काले किशनगढ़, राजाराम कांस्टेबल मोहनपुरी कांस्टेबल गांधीनगर, विशेष योगदान दातार मांदू और पुलिस थाना मदनगंज शंकर खोजी कांस्टेबल शामिल हैं। आप सभी को पता है कि दिनांक 19/6/24 को किशनगढ़ में एक पशु अवशेष की घटना को लेकर के और कुछ लॉ एंड ऑर्डर हुआ था, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था और एक हमारे हेड कांस्टेबल गोपाल लाल जी, जो कि किशनगढ़ सीओ ग्रामीण के ड्राइवर थे, उनके इसमें चोटें आई थी और गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई थी। तो उस संबंध में हमने तुरंत ही प्रकरण दर्ज किया और प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया और उसके दौरान हमने जो फोटो और वीडियो देख के, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप सभी को ब्रीफ किया था कि भीड़ का, जैसे कहते हैं कि भीड़ का चेहरा नहीं होता, लेकिन अब भीड़ का चेहरा है क्योंकि हम सबके हाथ में मोबाइल है। उन उपद्रवी लोगों के हाथ में मोबाइल था, आप हमारे पत्रकार बंधुओं के पास भी मोबाइल था और हमारे पुलिस के जो सिविल में लोग थे उनके पास भी मोबाइल था। तो हमने उन लोगों को, आप लोगों की सहायता से और हमारे पास जो मोबाइल में जो क्लिप थी उनकी सहायता से, हमने ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित किया और उनमें से दो लोगों को हमने कल गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है किशन उर्फ सन्नी उम्र 23 साल, ये मदनगंज का रहने वाला है, और दूसरा है विशाल मालाकार, ये भी, इसकी भी उम्र भी 23 साल है, ये भी बाड़ी किशनगढ़ का रहने वाला है। इन दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कल भी हमने एक जो सोशल मीडिया पे जिसने एक बड़ा ही वाहियात सा कमेंट किया था, उसको भी हमने कल 151 गिरफ्तार किया था। आप सभी लोगों की के माध्यम से मैं अजमेर के सारे समस्त नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि घटनाएँ दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, आप बिल्कुल भी अपने आपा ना खोएं, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप हमें संपर्क करें, थाने पे संपर्क करें, आप सभी के पास मोबाइल नंबर हैं। तो इस, लेकिन जो लोग इस तरह का उपद्रव मचाएंगे उनके खिलाफ अजमेर पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। इस घटना, ये जो इन लोगों को पकड़ा है, इसमें थाना मदनगंज के जो SHO साहब हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सुरेंद्र सिंह ASI, अभय सिंह कांस्टेबल, विनोद कांस्टेबल, राजाराम कांस्टेबल, मोहनपुरी कांस्टेबल, इन लोगों का विशेष योगदान रहा। इसके अलावा दातार बहादुर कांस्टेबल और शंकर खोजी कांस्टेबल भी इस टीम में शामिल थे।